हम तो हो चुके हैं कंफ्यूज क्योंकि यहाँ पे दो शादियां हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन किसी गाड़ी का किस शादी में जाना है। निश्चय भैया का फोटो शूट चल रहा है। आज शादी है, आज भैया सब लगे काम पे। जा 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 पग मार। हम तो इसको भूतिया वो बनाने आए थे, फीलिंग लेने आए थे, जग बुझ कर रही थी, ऐसी साली बंद हो गई। उन्ने यहाँ पे मैं और अभिषेक दोनों भाई मैनेजमेंट चेक करने आए हैं और आपको दिखाते हैं। हम अभी जा रहे हैं और सामने से भूत 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 आ गए, भूत आ गए, भूत आ गए गाइस, भूत आ गए गाइस गाइस, भूत भूत जी, भूत जी कैसे हो भूत जी? ये दोनों भूत बन रहे हैं। पहला ही बता दे भाई। लास्ट में गाता तो भाई ये बैक स्टेज है। अरे गोलगप्पा ले तुम ले, प्रोटीन रिच बे है गोलगप्पा। गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात ही जोगा था, कल बहुत ज़्यादा, तो क्या हमने व्लॉग ही नहीं किया क्योंकि काम ही बहुत। ये मॉर्निंग ऑफ व्यू है, आज शादी है, आज भैया सब लगे हैं काम पे तगड़े वाले। इधर हलवाई वरना इस टाइम तक तो उठते भी नहीं है, आज काम पे लगे हैं। सामने टेंट लग के ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, बच्चा खुचा अभी थोड़ी देर में लगा देंगे, आज भात भी आएगा। आज जो निश्चय के मामा जी हो रहे हैं वो भात लेके आएंगे अपनी बहन के घर पे, यानी कि निश्चय और उनके घर पे, यहाँ पे तो भात बन जाएगा। तो भाई आज सुबह से है, हमने कल कोई ज़्यादा डांस वगैरह नहीं किया, एनर्जी इकट्ठी की है। आज भाई रात को तो टिक 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 यहाँ पे सुबह के क्या 8:15 हो चुके हैं और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अभी कोई दिन उगा ही नहीं है। लेकिन ये है यहाँ पे पराली जो जलती है, झोना होता है चावल, उसकी कटाई के बाद उसका जो कचरा बचता है उसको जला देते हैं, उसका धुआं है। ये कोई धुंध नहीं है, पौस नहीं है, सूरज देख लो यार 8:15 कुछ ऐसा सा दिख रहा है, कोई सूरज है ये। तो ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियाँ आ गई हो, लेकिन सर्दी है नहीं इतनी। अभिषेक आए हैं और यहाँ पे कितने 15-20 किलो जिम गया, 15-20 किलो खा चुके हैं इनके, बाग के अंदर खड़े हैं। ये है भाई पंजाब के मजे, मेरे को पंजाब बहुत पसंद है। खा नहीं चुके हैं, चेप चुके हैं, चेप चुके हैं। और किन्नू बहुत मीठे मिल रहे हैं हमें, आज किस्मत अच्छी है। देखो ऐसे करो, मुंह में ये बीज निकालो, जाने दो अंदर, चेप दो। वैसे किन्नू खाने चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पिंपल्स सही हो गए यार यहाँ पे आके, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं गला खराब होए होए हमें किन्नू खाने हैं, पिंपल्स सही हो रहे हैं भाई बिना दवाई के, मैं यहाँ पे आके दवाई भी नहीं ले रहा।
और अभिषेक पूरे टेंट के से ट्राई कर रहे हैं कि अच्छी सी वीडियो बन जाए, मौका मुआई ना करने और अभी इधर दादा जी और बैठे हैं, इनकी वीडियो बनाते हैं, पहले तो इनको नमस्ते करनी है। इशु गेटिंग रेडी, तैयार है इशु? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अब हम हो चुके हैं तैयार और अब हम जाएंगे नीचे। शादी के अंदर शीशा थोड़ा मिरर ख़राब हो चुका है, चलो नीचे चलते हैं। कैसे लग रहे हैं हम बताओ गाइस, कैसे लग रहे हैं हम? अच्छे लग रहे हैं? यस। एंट्री करते ही सबसे पहले निश्चय भैया और भाभी जी की फ़ोटो लगी है। मंडीर आगे गड़साना लिया कब्जो करण इत आज बाहर बहुत ज़्यादा खाना पीना हो गया, सबसे मिले, सबके साथ थोड़ा थोड़ा खाया, थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा हो गया, पेट पूरी तरह फट रहा और मैं सोया पड़ा ऊपर आके सोया हूँ। अभी नीचे थोड़ी देर आधे एक घंटा रेस्ट करके फिर चलेंगे नीचे वापस से टेंट के अंदर, मस्ती करेंगे, शाम को बारात है। ओह माय गॉड, और दूल्हे राजा, फाइनली दूल्हे राजा के अभी क्या हुई, अभी पिट्ठी लगेगी, पिट्ठी लगेगी, टी शर्ट देख सकते हो। और यहाँ पे है कुलदीप भाई साहब, ये बहुत मस्त भाई साहब है। यहाँ पे अब हम बारात के लिए तैयार हैं, मेरे साथ धनंजय है, अभिषेक है और सामने हमारे निश्चय भैया तैयार हो रहे हैं। निश्चय भैया का फोटो शूट चल रहा है। भैया की बारात यहाँ से मतलब रवानगी होगी, हम उसके अंदर तैयार हैं उसके लिए, और यहाँ भी डांस करना है, वो गाड़ी के अंदर बैठेंगे अभी। अभी हम निश्चय भैया की बारात के अंदर जा रहे हैं, मेरे साथ है गणेश भैया और इधर है दिवेश भैया, साथ में आनंद ताऊ जी और गणेश के पापा जी फूफा जी, फूफा जी लगे मेरे पहले। हम पहुंच चुके हैं और हम ये कंफर्म करने जा रहे हैं क्या यही शादी है जिसमें हमें आना है, क्योंकि आज के दिन में बहुत ज़्यादा शादियां हैं। हम तो हो चुके हैं कंफ्यूज क्योंकि यहाँ पे दो शादियां हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन किसकी गाड़ी कहाँ किस शादी में जाना है, सब कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ इधर जा रही है, कुछ गाड़ियाँ इधर जा रही है, पता ही नहीं चल रहा किसको कहाँ पे जाना है। भाई हम तो जा रहे हैं पैदल ही, अब गांव के लोग खड़े हैं जो बता रहे हैं ये वाली शादी की गाड़ियां यहाँ जाएगी, ये वाली गाड़ी की शादी की गाड़ियां यहाँ जाएगी, गाड़ियां बता रहे हैं लोग कि इस शादी की गाड़ियां इस साइड, इस शादी की गाड़ियां इस साइड, मतलब एक गांव में दो शादियां होना तो इसके बड़े अपने ही रोड़े हैं। गणेश ये धरती खा जा भाई, हाँ खा जा खा जा, खाई ना खाई मुंह लगाएगा। पकड़ू छोडू ये देखे, मेरे को तो लगा था दीदी ऐसे डाइटिंग करेंगे और इसके बाद में ये क्या है, ये कौन सी डाइटिंग है?
तो भाई आज निश्चय की रात शादी से वापस आके बारात से सोए किए, सुबह काम किया, चाय वगैरह जलाई सबको, और अब हम घर जाने की तैयारी में हैं। और फाइनली मेरे साथ है, पहले तो है आशीष जिसको आप दो तीन व्लॉग में पहले भी देख चुके हो, सही है भाई, और फिर है आयुष। आयुष ये मेरे चाचा जी का लड़का है, ये भी चाचा जी का लड़का है, ये भी चाचा जी लड़का है, और ये बहन की लड़की है, लड़की है नी मंजू वाली है। फिर हम जाएंगे बस के अंदर गंगानगर तक, उससे आगे विक्रम भैया के साथ।